जहाँ रहते थे तब हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार हुआ करता था, और उनको एक ही जगह में इस पार से उस पार जाने के लिए, पानी तक लाने के लिए एक पहाड़ से गुजर के जाना पड़ता था। और एक दिन दुर्घटना हो जाती है और बाबा दशरथ मांझी की धर्म पत्नी उसी पहाड़ से फिसल कर उनकी जान चली जाती है और वो उनको अस्पताल नहीं ले जा पाती उस पहाड़ की वजह से, क्योंकि उसको पार करके ही जाना होता था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। अब ये कहानी यहाँ तक नहीं, वो माउंटेन मैन क्यों बने, क्योंकि जब उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। दुर्गा क्लब द्वारा चांदमारी कुलेरी बालू बंकर मैदान में पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि झरिया की विधायक पूर्णिमा महेंद्र सिंह शामिल हुई। सर्वप्रथम प्रतियोगिता के आयोजकों ने झरिया विधायक को गुलदस्ता और माला पना कर उनका भव्य स्वागत किया। झरिया विधायक ने मंच से संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की जीवनी कमी में संघर्ष करने की ताकत प्रदान करती है। कोई भी खेल टीम वर्क की भावना के साथ साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, समाज सहित कई चीजों को सिखाता है। श्रीमती सिंह ने कहा कि आज के युवा वर्ग एक ओर जहां कमी में भी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटना होने के बाद खुद को नशे के रास्ते पर ले जा रहे हैं। युवा वर्ग जिंदगी में संघर्ष को चुने, नशा को नहीं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 से 13 सितंबर 2024 तक आयोजित 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। इसमें फाइनल मैच श्री माँ दुर्गा क्लब चांदमारी और पीएलसीडी क्लब धनबाद के बीच हुआ। इसमें श्री माँ दुर्गा क्लब ने 2 के मुकाबले 1 गोल के अंतराल से विरोधी टीम को हराकर टूर्नामेंट पर कब्जा किया। इस दौरान बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट कैप्टन एवं अन्य वर्गों के पुरस्कार वितरण किए गए। श्रीमती सिंह ने विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान किया। वहीं उपविजेता क्लब को 10,000 व ट्रॉफी प्रदान किया गया। मौके पर रामकृष्ण पाठक, पार्षद प्रतिनिधि शिवदत्त कुमार, डॉक्टर डी प्रजापति, अक्षय लाल यादव, मुकेश कुमार, करण कुमार, उपेंद्र कुमार सिंह, रवि कुमार, सूरज भुइया, बम्बीर सिंह, मिट्टू भुइया, टार्जन भुइया सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। उपस्थित इस कमिटी के सभी लोग और इस खेल में, फुटबॉल के खेल में प्रतिभागी सभी टीमें और हमारी चांदमारी के सभी प्यारे बच्चे, हमारी सभी दीदियां, सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम है, अभिनंदन है, जोहार है। मैंने पिछले साल भी पूछा था और इस साल फिर पूछ रही हूँ, पता है ना बाबा दशरथ मांझी कौन थे? पता है कौन थे? माउंटेन मैन बोला जाता है उनको। पता है क्यों? क्योंकि बाबा दशरथ मांझी और उनकी धर्म पत्नी जहाँ रहते थे तब हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार हुआ करता था, और उनको एक ही जगह में इस पार से उस पार जाने के लिए, पानी तक लाने के लिए एक पहाड़ से गुजर के जाना पड़ता था। और एक दिन दुर्घटना हो जाती है और बाबा दशरथ मांझी की धर्म पत्नी उसी पहाड़ से फिसल कर उनकी जान चली जाती है और वो उनको अस्पताल नहीं ले जा पाती उस पहाड़ की वजह से, क्योंकि उसको पार करके ही जाना होता था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। अब ये कहानी यहाँ तक नहीं, वो माउंटेन मैन क्यों बने, क्योंकि जब उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, कि इस पहाड़ की वजह से मुझे सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई, कोई सुनने वाला नहीं आया, इसलिए मैं अकेला, मेरा साथ कोई दे चाहे ना दे,
काट दूंगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने, एक दशरथ मांझी ने एक पूरे पहाड़ को काट दिया था। तो आप सब तो उनकी सेना है, आप सब क्या नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। आप ही के बीच में से एक युवा है जो लगातार हमारे साथ संपर्क में रहता है और इस फुटबॉल टूर्नामेंट को कराता है। आप सब जानते हैं मुकेश को। हमारे पास ये निर्णय होता है कि जब हमारे पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम अच्छा करें या बुरा करें, अच्छी आदतों को लगाएं या बुरी आदतों को लगाएं। मैं सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि इस झारखंड में जहाँ पर इतनी परेशानियां हैं उसके बावजूद आपने खेल को चुना, आपने नशे को नहीं चुना। बहुत आसान होता है इस उम्र में गलत चीजों के प्रति चले जाना, लेकिन आप सबने सही रास्ते को चुना है, इसलिए आप सबके प्रति मेरा आभार है। और आप सब ही हैं जो अपने से छोटों को आप सब प्रेरित करेंगे अपने जैसा बनने के लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने खिलाड़ियों के बारे में आप जानते हैं कि आपके झारखंड के आज कितने खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेल कर आए। पता है आपको, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं नहीं थी। आप ये मत सोचिए कि उनके पास बहुत सुविधा थी, उनके घर वालों ने बहुत पैसा दिया, उनके घर वालों ने बहुत अच्छा कपड़ा दिया, एसी में रखा, ऐसा कुछ नहीं किया। आपने निक्की प्रधान का नाम सुना है, सलीमा टेटे का नाम सुना है, मारवाड़ खाया इन्होंने, मारवाड़ जानते हैं ना। तो आपके अंदर अगर प्रतिभा है ना, तो सुख से प्रतिभा नहीं आती है, प्रतिभा खुद में विश्वास करने से आती है, उस जुनून से आती है जो आप करना चाहते हैं। और ये जुनून इन युवाओं में देखने को मिलता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे पास जब भी रास्ते होते हैं दो, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कोई बुरा रास्ता चुनना, लेकिन मुकेश हमेशा हमेशा खड़ा होता है आप लोगों के हित के लिए। और खेल जो होता है ना, खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला तो ये कि हम नशे से दूर रहेंगे। याद रखिएगा, नशा जीवन बर्बाद करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। करने के लिए आसान चीज होती है, लेकिन जीवन ही बर्बाद होता है उससे। इसलिए मुझे खुशी है कि बच्चे इससे दूर रहेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप सबसे हाथ जोड़कर, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में आता है तो क्या करें, नशा करने लगे हम सब, कुछ भला होगा उससे? दूसरा, खेल हमें टीम भावना के बारे में, एक अकेले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खेल हमें क्या सिखाता है कि 11 को लेकर कैसे करना है। फुटबॉल अकेले खेल लेंगे क्या, क्रिकेट अकेले खेल लेंगे क्या, नहीं खेल पाएंगे, टीम चाहिए इसके लिए। ये बात अलग है कि विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया, लेकिन अकेले विराट कोहली टीम इंडिया तो नहीं है, सब चाहिए उसके लिए। तो खेल हमें, आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, खेल हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की अहमियत क्या है, इसलिए बहुत जरूरी है। बाकी बहुत सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा विशेष लगाव है, विशेष लगाव है क्योंकि मुकेश की वजह से इस जगह पे जहाँ इतनी परेशानियां हैं, एक खेल का आयोजन करके वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। हमसे जो संभव होता है हम सहायता करते हैं, लेकिन सारा आयोजन मुकेश और उसकी टीम करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं कभी मना नहीं करता। मैं सभी प्रतिभागी टीमों को बहुत सारी बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ही लोग में से कोई ना कोई जाए और इस देश का